कल चर्चा में हमने बहुत अच्छी बात प्राण तीन पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा को आगे बढ़ाया था। बहुमत, एकमत और अमत। बहुमत में जो जाते हैं वो शास्त्रों के कथन के मर्म को नहीं समझते और संयोग से ज़्यादा कहा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? कल मैंने इसके लिए दृष्टांत भी दिया था कि शक्कर के बारे में आप ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन शक्कर से बनी हुई मिठाइयों के बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। शक्कर के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन शक्कर से जो मिठाइयाँ बनती हैं उसके बारे में बहुत कह सकते हैं। तो बहुत तो मिठाइयों के बारे में कहा जाएगा, मिठास के बारे में तो एक ही बात है। सेम बात यहाँ पर है कि व्यवहार से बहुत कथन हो सकता है बराबर, लेकिन उस व्यवहार के उन समस्त मिठाइयों का मूल क्या है? बोले मिठास। इसलिए निश्चय का अधिक कथन नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कम कथन है तो मूल्यहीन है अथवा ज़्यादा कथन है तो मूल्यवान है। जीवन में ऐसा कभी होता हमेशा नहीं। एक बात। दूसरे नंबर की बात, जो अपेक्षा को समझते वो लोग एक बात भी पढ़ें तो उनके जीवन में क्रांतियाँ जाती है। बोले बात सही है। अन्य कथनों के प्रति उन्हें वैर या विरोध का भाव नहीं होता, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि ये सब व्यवहार से किए हुए कथन। दूसरी बात क्लियर हो जाती है। और तीसरे नंबर की बात जो कही थी कि जो जिन्हें अनुभूति हो गई है उन लोगों को तो एक कथन भी ना मिले, सर्व विरुद्ध ज़्यादा दिखाई दे, तो भी जो अनुभव में आ रहा है उसको कैसे वो अप्रमाण करे? इसलिए उन्हें तो शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, उनके वचन स्वयं शास्त्र होते। समझ में आया कि नहीं? ये इतने आचार्य हैं बराबर। कई बार हर चीज़ को ऐसे पूछते ना लोग कि भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो कई बार परंपरा देना ज़रूरी है। कई बार कुछ मौलिक चिंतन ऐसे होते हैं जिनकी आप परंपरा खोजने जाओ तो नहीं मिले। टोडरमल जी साहब के ग्रंथों में ऐसे कई बार आती हैं बातें जो कई बार आपको पूर्वाचार्यों के कथनों में प्राप्त आगम में ना मिले, तो फिर लोग कहते ये कहाँ से लिख दिया सब? तो वो तो कहते इसकी प्रामाणिकता क्या? तुम्हें पता क्या कहता हूँ, इसकी इसके विरुद्ध क्या लिखा है ये बता दो मुझे। सीधी सी बात, दो तर्क होते ना। एक तो ये कि इसकी सिद्धि के, तो सिद्धि वाला तो सीधा सीधा है, लेकिन कभी विस्तार होगा तो केवल सीधी सीधी बातों के आधार पर थोड़ी होगा। बराबर ख्याल में आएगी नहीं? तो हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग क्रमबद्ध पर्याय पर यही आक्षेप करते थे कि क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखा है, क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखा। मैंने सर्वज्ञता जहाँ जहाँ लिखी वहाँ वहाँ क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता जहाँ जहाँ लिखी वहाँ वहाँ क्रमबद्ध पर्याय लिखी। तो कई लोग कहते हैं इसकी आगम सिद्धि बताओ, मैं कहता हूँ आगम का विरोध बताओ। आप बताओ ना, इसे सिद्ध करो कि नहीं आगम की इस चीज से विरुद्ध है। तो एक अद्भुत बात आपको मैं इस समय बोल रहा हूँ वो ये है कि जैन धर्म पारंपरिकता पर तो चला ही है, लेकिन मौलिकता का गला नहीं घोटा गया वहाँ। मतलब हमेशा से शास्त्रों में मौलिक बातें लिखी गई हैं। मौलिक बातें लिखी गई मतलब कहीं ना कहीं आगम से संबंधित होती ही हैं, प्राचीन आगम में उनका वर्णन होगा ही। लेकिन अगर ना भी मिले तो उन चीज़ों को आगम विरुद्ध नहीं है। जब तक वो आगम से विरुद्ध सिद्ध ना होती हों तब तक उनको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। नहीं सुनते क्या कह रहा हूँ, ख्याल में आएगी नहीं आया भैया? दो बातें हो गई। एक तो सीधी सीधी जो आगम से मिल रही हो उसमें तो कोई आपत्ति होती नहीं है, वो सरल काम है, वो
सरल काम होता है। जैसा पढ़ा वैसा पढ़ा दिया, जैसा सुना वैसा बता दिया। लेकिन जो हजारों साल में जो साहित्य बढ़ा है वो मात्र रिपीटेशन से नहीं बढ़ा, मौलिकता से बढ़ा है। किससे बढ़ा है? मौलिकता। तो कितने हद तक मौलिकता स्वीकार है और कितने हद के बाद मौलिकता अस्वीकार है, तो उसकी एक छोटी सी परिभाषा आपको दे रहा हूँ कि जब तक अगर वो मूल आगम से ही जुड़ी हुई सब बातें हैं तो मौलिकता का प्रश्न नहीं, तो उसका ही विस्तार है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मूल आगम का विस्तार जैसा ना दिखाई दे, लेकिन उनमें मूल आगमों का विरोध ना हो, तो हमें वो चीज़ों को पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। आज यही होता है, जो पहले नंबर वाले लोग हैं ना, जो शास्त्रों को मात्र पढ़ते हैं, वो हर जगह यही प्रॉब्लम करते हैं, ये कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा। तो मैं बार बार ही कहता हूँ, इसके विरुद्ध कहाँ है ये बता दो ना, ये नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है, है? समझ में आई? सिद्धि तो दोनों प्रकार से हो सकती है। ऐसे करेंगे तो ही एक जो कहे ना कि आगम का विस्तार वो हो पाएगा, और दूसरे नंबर की बात जो बार बार हम कहते हैं कि द्वादशांग बहुत विस्तृत है, उसकी झलक हमें ऐसे मिलेगी कि जब हम मौलिक विषयों को स्वीकारेंगे, मौलिक विषयों पर विचार करेंगे बराबर, और उनके आधार पर अपने चिंतन और जीवन को समझने सुलझाने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपके जीवन में ताजगी रहेगी, चिंतन में विस्तार बृहदता रहेगी। वरना एक रिपीटेशन जैसा सब जगह होता जाएगा, जो आपको कालांतर में अरुचि का कारण बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन आप कितनी समझ रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बड़ी गहरी बात इस समय कर रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है ना। तो एक ये बात आई, ये क्यों मैं बोला तीसरे नंबर के पॉइंट के अनुसंधान में बात बोल रहा हूँ कि जिन्हें उस चीज की अनुभूति हो गई है, उनका वचन स्वयं शास्त्र है। क्या बोला? जिन्हें इन चीज की अनुभूति हो गई है, आत्मानुभूति को प्राप्त हो गए हैं, उनके वचन स्वयं शास्त्र हैं। आवश्यकता ये है कि हम उन वचनों को स्वयं प्रमाणित जानकर स्वीकार करें। अगर जहां आगम विरुद्ध पना नहीं आ रहा है तो क्योंकि द्वादशांग में बहुत सारे विषय थे और उनमें बहुत कम विषयों में लिखा गया, और जितना लिखा गया उसमें से बहुत कम शास्त्र बचे रहे, और उन बचे हुए शास्त्रों में से भी बहुत कम को पढ़ पाए। अगर आज के शास्त्र को हम टैली करके देखें तो सारी जिनवाणी का जो परसेंटेज है वो द्वादशांग रूपी समुद्र की बिंदु के समान भी नहीं। क्या बोला जिनेश भाई? अभी आपने कितना पढ़ा, हमने कितना पढ़ा है, आपकी क्या छोड़ा? हमने भी अगर आज तक जितना पढ़ा है तो उपलब्ध साहित्य का अंश पढ़ा है अभी, तो जो अनुपलब्ध साहित्य का बिंदु भांति है, और उसमें से भी उसका हजारवां हिस्सा शायद हम पढ़ पाए। मतलब अब इतना जानने के बाद में भी बहुत सारे लोगों को मने मुझे बहुत आता है इस बात का आम हो जाता, दिमाग बंद कर देते, द्वार बंद कर देते, नवीनता को स्वीकारते नहीं, चिंतन को बढ़ाते नहीं, एक ही एक बातों को रिपीटेटिवली कहते जाते हैं और कहते कि हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मी हो गए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है? इसीलिए जिसने ज्ञान के लिए अपने द्वार बंद कर दिए, उसके मोक्ष के द्वार तो अपने आप बंद हो गए। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ज्ञान के लिए द्वार वही बंद करता है जिसने बैक डोर विषयों के लिए खोल के रखा हो।
आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला? बड़ी गहरी बात है ये भी। मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि जो ज्ञान के प्रति अरुचिवंत हो गया उसका सीधा सीधा सा कारण है कि उसकी रुचि बैकडोर से किसके लिए हो गई है? भोगों के लिए, विषयों के लिए खुल गई। इसीलिए उसे ज्ञान सुहा नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान में स्वाभाविक आनंद है और विषयों में आनंद है ही नहीं, दुख है। बात समझ में? लेकिन जिसे अब भोजन के टाइम पे भी भूख ना लगे, घर पे आके गए भूख और वो बीमार नहीं हो, इसका क्या मतलब है कि बाहर जाके अवक्ष खा के आए। आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, हैं? शाम को भोजन कराओ तो भूख न थी, भूख न थी, भूख न थी। आम कहीं ने पछियार ना, भूख नहीं लागी, भूख नहीं आई, एटले बहु तमे छलावामां आवता नहीं। आ बढ़ती उम्रमां भूख ना लागे एवो तो होतो नथी, एटले भक्ष्यथी पेट भर्यो नथी अने भक्ष्य खावानी इच्छा थती नथी, एनो मतलब शू छे? मैं दीदी की बात बताऊं, वो दीदी कई बार ऐसे बोलती, बिट्टू नाम है छोटे भांजे का, भूख शाम को खाते ही नहीं, कहता भूख नहीं लग, भूख नहीं लग रही। मैंने कि एक दिन जरा तपास कर गया वो ही नहीं, बढ़ती उम्र में भूख ना लगे ऐसा होता ही नहीं है। वो तो हमेशा कहते जब भी शाम को खाना, तो ऐसे उनने एक बार किया जासूसी वाला काम, तो जाके देखा भाई साहब वहाँ जाके शाम के टाइम पे जो भोजन का टाइम होता वहाँ पाव भाजी खा के आ गए और घर पे कहते मैंने देख लो, बोले यार टिंकल तो सही कह रहा था समझ में आया कि नहीं आया? ये है, ये तो दृष्टांत हुआ, सिद्धांत समझ में आया ना? हाँ, सिद्धांत ये है कि जो ज्ञान के प्रति अरुचिवंत हैं उन्होंने अपना पेट भोगों से भर लिया, क्योंकि अगर भोग से पेट भरा हो तो ही ज्ञान नहीं सुहाता, और अगर भोगों से पेट खाली हो तो ज्ञान की लपक के भूख लगती है। ये नियम है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी क्योंकि जीव ज्ञान के बिना जीव को कौन तृप्त करेगा, कौन तृप्त करेगा? और अभी भी मेरा बहुत स्पष्ट है, जो स्वाध्याय में अरुचि बनते हैं, उत्साही नहीं हैं, कहने के लिए भले पचासों वर्ष पुराने मुमुक्षु हों लेकिन ज्ञान के विषय में रुचि बनते हैं, वो अपने हृदय को खंगाल कर देख लें, उनके अंदर में या तो धन की रुचि पड़ी होगी, या भोगों की रुचि पड़ी होगी, या दुनियादारी की रुचि पड़ी होगी, आत्मरुचि नहीं होगी। आत्मरुचि वाले को तो ज्ञान सुहाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मुनिराज है, इतना जानते हैं तो भी ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काज है, ज्ञान और ध्यान के सिवा दूसरा और कोई काम है ही नहीं। इसलिए बहुत गहराई से चीजों का विचार करते जाना है ना। तो ये बात किस अनुसंधान में आ रही है? ये बात उस तीसरी बात के अनुसंधान में आ रही है कि जो अनुभव को प्राप्त हो जाते हैं उनके वचन स्वयं शास्त्र हो जाते हैं, बराबर। और जिनवाणी में इस प्रकार की मौलिकता जो अनुभव से सिद्ध हो और आगम से अविरुद्ध हो उसे पूरा पूरा श्रद्धान स्वीकारा गया है। क्या बोला? जिनवाणी में कैसी मौलिकता? बोलो बोलो, दो विशेषण कौन सी? अनुभव से सिद्ध हो और आगम से अविरुद्ध, ऐसी मौलिकता को स्वीकारा गया है। मैं तो इस मौलिकता में द्वादशांग की झलक देखता हूँ। इस तरीके की जो मौलिकता आती है ना उसमें क्या देखता हूँ? द्वादशांग की झलक, कि जो द्वादशांग का ज्ञान उपलब्ध नहीं है वो कैसा होगा। मोक्षमार्ग प्रकाशक की मुझे जो महिमा आती है ना
उसका मूल कारण ये कि वो जब पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें हजारों ऐसे प्रकरण हैं कि जो मतलब ऐसे हैं कि अभी तक मेरे पढ़ने में आ रही। पंडित जी को कैसे पता चला? अनुभव से पता चला। दिमाग खुला रखते हैं, आत्मा ज्ञान को निर्मल रखते हैं, पूर्वाग्रहों से रहित होते हैं, वस्तु को देखते हैं तो जैसा स्वरूप है वैसा दिखाई देता है, और ऐसे ही देख जानकर तो सर्वज्ञ बने, ऐसे ही देख जानकर तो शुद्ध केवली बने। जब आप वस्तु को पूर्वाग्रह से रहित देखना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वस्तु का सही स्वरूप समझ में आने लगता है। क्या बोला? ये भी बड़ी मार्मिक बात। वस्तु तो जानने में आने के लिए तैयार है, तुम्हारे हमारे आग्रह ही क्या होते हैं उसमें बाधक बनते हैं। तीन लोग तुम्हारे ज्ञान में आने के लिए लालायित है, तुम आवरण हटा के तो देखो, राह देख रहा है तीन लोग का एक एक परमाणु कि मैं अपने प्रमेयत्व गुण से तुम्हारे ज्ञान में झलकूं। मगर हम हैं कि दरवाजे नहीं खोल रहे, हम हैं कि पर्दे ही नहीं हटा रहे, हम हैं कि निर्मल ही नहीं हो रहे। अब निर्मल नहीं हो रहे, पर्दे नहीं हटा रहे, तो जो है उसी में चला रहे हैं, गुजर बसर चल रही है। वही मोह, वही राग, वही द्वेष, वही काम, वही क्रोध। सुबह से शाम नवीनता क्या नहीं लगता? लगता है ना, ऐसे ही है। खरेखर जीवन में ना तो संयोग रूप में नवीनता है, ना संयोगी भाव रूप में नवीनता है। क्या बोला? ना संयोग रूप में नवीनता है और ना, विचार करके देखो, संयोग रूप में नवीनता है? क्या नवीनता है? 500 का कपड़ा पहनो चाहे 5000 का, कपड़े रूप में तो वही प्राचीनता है। मतलब कहीं भोजन सामान्य जगह करो चाहे 5 स्टार में करो, क्या नवीनता है? वही रूप रस गंध की तो प्राचीनता है। तो संयोगों में आज तक कोई नवीनता तुम्हें मिली नहीं, मिल सकती भी नहीं है। मतलब बड़ी से बड़े महल में चले जाओ है तो भी क्या है, नवीनता है क्या? वो ईंट गारे से वो महल बना, वो ईंट गारे से तुम्हारा घर बना, नवीनता है? संयोग में कोई नवीनता नहीं। अनेक पर्याय में अनेकों माँ बाप, अनेकों भाई बहन, अनेकों पिता पुत्र आदि, सब प्राचीन प्राचीन प्राचीन। क्या नवीनता? ना संयोगी भाव में नवीनता है। जो संयोगी भाव अभी कर रहे, अच्छा मिलने पर गदगद हो जाना, बुरा मिलने पर रो रो कर दिन बिताना, ये कोई पहली बार कर रहे हो है? ये भी प्राचीन है, अनंतों बार कर चुके। तो ना संयोग में नवीनता है, ना संयोगी भाव में नवीनता है। प्रभो, एक त्रिकाली ध्रुव तत्व का अनुभव और उससे होने वाला सुख वही नवीन है, बाकी तो सब सड़ा सड़ाया माल है। समझ में आया? फ्रेश तो आत्मानुभवन है, बाकी सब बासी है, समझ लो। कल में आया कि नहीं? इसलिए सब विचार कर, और अगर थोड़ा बहुत अगर उससे बच के जाओ तो जिनवाणी के ज्ञान में आओ तो वहाँ थोड़ी कुछ नवीन दृष्टि मिलेगी जगत को देखने की, जगत को देखने की नवीन दृष्टि, और वो दृष्टि आपको रागादि भाव से बचाने का कारण बनेगी। बाकी ये जो पुरानी दृष्टि जिसे हम कहते ना संसार में घड़ई जबू, ये घड़ई जबू ओछू सड़ी जबू बधारे, खरे खरा विचारो तो स्पष्ट लगता है, अरे क्या संसार का स्वरूप, क्या संसार का स्वरूप। बारम्बार विचार करे
जन्म ले, मरण करे, संततियों का पालन पोषण करे, धनार्जन करे, भोगों में पड़े, ऐसे ही जन्म ले और ऐसे ही मरे, क्या नवीनता है इसमें? ऐसा थोड़ा गंभीरता से विचारना चालू करो, संस्वरूप ख्याल में आएगा, है ना। तो मौलिकता को भी समझते हुए चलना और नित्य ज्ञान के लोलुपी बनना, समझ में आया? नित्य क्या बनना? ज्ञान के लोलुपी बनना, क्योंकि आचार्य भी ज्ञान के लोभी जीवों को उपदेश देते हैं, याद आया? ये आचार्य की परिभाषा में है। कौन से जीवों को उपदेश मिलता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलेगा, मैंने धर्म के लोभी जीवों को उपदेश देते, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य परमेश्वर जी का स्वरूप। क्या शब्द बोला? धन के लोभी से तो बात नहीं करते, धरो तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास, चक्रवर्ती भी आवे तो हेम खेम ना पूछे, और चक्रवर्ती हाथ जोड़ के बोले प्रभु मुक्ति का मार्ग बताओ, और ये प्रश्न चाहे चक्रवर्ती करे चाहे एक सामान्य व्यक्ति करे, वो द्वैपायन जैसा श्रावक, कौन सा श्रावक? गर्दन हिलाई थी किसने? द्वैपायन श्रावक कहाँ का है? तत्वार्थ सूत्र, हाँ सही पकड़े थोड़ा थोड़ा। हाँ घटना आती तो पायक श्रावक की, कि वो लिख रहा था दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग बराबर, तो वहाँ से मुनियाज गुजरे, उमा स्वामी मुनियाज, सम्यक शब्द जोड़ दिया, तो वो तो ऐसा निहाल हो गए, नाचते नाचते, अरे ये बात तो सही है, सम्यक के बिना तो दर्शन ज्ञान, तो एकदम पूछिए अब तो मुझे उनको मिल रही है, और मिला तो बस बैठ गया। सर्वार्थ सिद्धि में बोलते हैं कि उसका प्रदेश प्रदेश प्रश्न पूछ रहा था, ऐसा वो लिखा है वहाँ पे सर्वार्थ सिद्धि में, जब पूरी घटना लिखी ना गीता, तो वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में वो क्या कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि जब वो उमा स्वामी आचार्य के पास में गया तो मुँह से प्रश्न ही पूछ रहा था, उसका रोम रोम प्रश्न से भरा था, रोम रोम आनंद से भरा था, और जब उसका अनुनय विनय देखा तो लगा कि नहीं इसे धर्म की जिज्ञासा, तब उसके निमित्त से ये महाग्रंथ तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, जिस पर अपन ने 8-9 साल चर्चा की। समझे? और धर्म के लोभी हो तो द्वैपायन जैसा सामान्य श्रावक हो उसको भी उपदेश मिल जाए, और धन का लोभी हो तो चक्रवर्ती भी आके चरणों में झुक जाए, मुनियाज नजर उठा के नहीं देखे। ये मुनि का गौरव। वंदे चक्री तदपि न वरते मान जो, ऐसा क्योंकि उनको उपदेश देखो, इसीलिए कह रहा है धन का लोभ रखोगे तो ज्ञानी से देश ना नहीं पा पाओगे, और धर्म का लोभ होगा तो सब जगह आत्मकल्याण की बात पा देख। चलो ये बात हुई, अब अपन जरा इसकी जो अपन ने विस्तार किया, निश्चय व्यवहार सापेक्ष निरपेक्ष काफी सारी, यहाँ पे एक दृष्टांत भी आया है टीका में कि जैसे व्यवहार ने पर्याश्रित हुआ थी वस्त्र, एटलू समझी लो कि वस्त्र तो केवो छे 110 पाना ऊपर, टीका में एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि जैसे सफेद रूप थी बनेलो वस्त्र कुसुम्बा बड़े रंगायेलो छे, एवा वस्त्रना औपाधिक भाव लाल रंगनी जेम पुद्गलना संयोग वसे अनादि काल थी जेनो बंद पर्याय प्रसिद्ध। वस्त्र केवो प्रकृति से देखा जाए तो हर एक वस्त्र कैसा होगा? सफेद ही प्रकृति से देखा जाए, अतरंगी वतरंगी कोई वस्त्र हो ही नहीं सकता सतरंगी वस्त्र, क्योंकि सारे वस्त्र का मूल कारण क्या है? रुई। अगर अपन कुदरती थे, अब आर्टिफिशियल जो
थ्रेड्स बनने लगे उनकी बात, वो भी कैसे होते सफ़ेद ही होते तो भी चमक, मुझे तो पता है। हाँ उनके बाद फिर उनको करते हैं। हाँ लेकिन कुदरती रूप से देखा जाए तो वस्त्र कैसा होता है, सफेद ही हो। ये बाकी रंग तो औपाधिक, लाल में रंग दिया तो लाल, काले में रख दिया तो काला, बाकी सब रंग आर्टिफिशियल हैं, औपाधि हैं, स्वभाव विचार करके समझे कि नहीं समझे। अपन तो कहते हैं भाई ये वस्त्र अलग रंग, लाल रंग, नीला रंग, पीला, पर भाई अगर तुम स्वभाव को देखो तो हर वस्त्र कैसा है, सफेद। और एक बात और समझना कि कभी अपन वैष्णवी वगैरह में सफेद कपड़ा पहन के जाते तो इसका मतलब ये है कि संसार का जो स्वाभाविक स्वरूप है वो वहां दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कोई मात्र इसके लिए नहीं है डिसिप्लिन ना, जे अच्छा लगे, बढ़िया लगे। हम अब सफेद में भी जा रहे हैं, सफेद तो चाहिए लेकिन थोड़ा लखनऊ टाइप का बताओ तो क्या है कि वो सुंदर लगे ना, ऐसा लगे। ये सफेद के साथ अन्याय है। समझे कि नहीं समझे? सफेद की स्वीकारोक्ति में स्वभाव की स्वीकारोक्ति है। अब आप सफेद को भी डिजाइनर मांगोगे तो मतलब वो स्वभाव में भी कुछ एडिट मॉडिफाई करना चाह रहे हो, जो कि शक्य नहीं। ऐसा समझ चल में कि नहीं आया? देखो यहाँ क्या कहते हैं, तो लाल रंग नीचे पुद्ग अनादि कालती बंद पर्याय प्रसिद्ध छे एवा जीवन औपाधिक भाव ने अवलंबी ने प्रवर्त तो थको। अब समझो, सफेद वस्त्र स्वभाव, लाल वस्त्र, काला वस्त्र, पीला वस्त्र विभाव, पर जो नए वो बंद पर्याय को टारगेट करके प्रवर्तन कर रहा है वो क्या कहेगा, कपड़ा कैसा, रंग बार बिरंगा है। और जो नए बंद पर्याय से रहित तो होकर देख रहा है वो क्या कहेगा, कपड़ा कैसा। तो ऐसी बात है, वो शॉर्ट में लो जो बीजा न भाव ने बीजी न जात अन निश्चय ने द्रव्य न आश्रय होगा जी। केवल एक जीवना सेना भाव थी, एक जीवना स्वाभाविक भाव ने अवलंबी ने प्रवर्त तो थको, बीजाना भावनो जरापण बीजानो नथी कहतो निषेध करे। मतलब जो नए रुई से बना हुआ कपड़ा देख रहा है वो कभी कहेगा ही नहीं कि कपड़ा रंग बिरंगा है। पॉइंट समझ में आया? जो डाई से रंगा हुआ कपड़ा देख रहा है वो क्या कहेगा कि कपड़ा रंग बिरंगा। दो चीज हो गई, रुई वस्त्र और रंग, जिसको स्वभाव की खबर है और मेथड ये पता है कि उस रुई रूपी से धागे बने और धागे से वस्त्र बना। रुई सफेद होती है, धागे सफेद होते हैं और उनसे जो वस्त्र बना है वो भी कैसा है, जिसकी दृष्टि स्वभाव पर है उसे कपड़ा हमेशा कैसा दिखाई दे रहा है, सफेद कपड़ा सफेद दिखाई दे रहा है वो तो ठीक, लेकिन काले पीले नीले कपड़े भी कैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे कल होली धुलेटी में सब कैसे कावर चित्रे दिखाई देंगे। अच्छा अब वो कावर चित्रे हमें दिख रहे बाहर, लेकिन घर वाले जो है अपने सदस्य है हम उन्हें कावर चित्रा देख रहे हैं कि जैसा है वैसा देख है? अच्छा शरीर में जरा सा सफेद रंग आ जाए, काला दाग हो जाए तो दौड़े दौड़े प्लास्टिक सर्जन के पास जाते, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक नहीं लग रहा, यहाँ दाग हो गया, यहाँ दाग हो गया, यहाँ कैसा लगे। और कल रंग बिरंगे हो जाओगे, यहाँ का कोई नहीं होगा, हाँ शौक से हो जाओगे और चिंतित नहीं होगे। मेरी बात ये है कि चिंतित क्यों नहीं होते, चमड़ी में जब रंग बदला तो चिंतित हो गए और चमड़ी पे रंग लगा तो चिंतित नहीं हुए, दिख तो दोनों में सेम रहे। बोले तुम्हें निश्चय नहीं की खबर है इसीलिए चिंतित नहीं होते, व्यवहार नहीं से देखते
तो भागते फिरते ऐसे गाल आगे नहीं कर देते। होली का क्या सिस्टम होता है, कोई बहुत करे ना, हाँ ठीक है लगा ना गुलाल लगा लो, तो निश्चय नहीं का भान है। ये जो निर्भयता आई ना, निर्भयता, ये निर्भयता किससे आई है, व्यवहार नहीं से कि निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से आई है कि ये उपाधि इस उपाधि से जुड़ेगी नहीं, ये जो बाहर की उपाधि लग रही है वो इस शरीर से जुड़ती नहीं, जाएंगे इसका बहुत मन है कोई बात नहीं, पानी लगा के धो लेंगे, मेरा क्या गया मेरा क्या आया। और इससे दुखी क्यों होते हो, क्योंकि इसको अपना मान लिया, इसमें दुखी इसलिए होते कि निश्चय की अज्ञानता है, और रंग लगाने में दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि निश्चय का ज्ञान। खबर पड़ी आई कि नहीं, ये बात समझ राजस्थानी तो होली में एक्सपर्ट होते समझे कि नहीं समझे। चमड़ी ने रंग बदला तो दुखी हुए, ये किसको बता रहा है, निश्चय के अज्ञान को। और चेहरे पे रंग लगा और टेंशन नहीं हुई, ये किसे बता रहा है, निश्चय के ज्ञान को। क्योंकि जब चमड़ी पर रंग लगता है तो निश्चय का ज्ञान हमें होता है, ये उपाधि है स्वभाव नहीं। इसीलिए लाल लगाए, पीला लगाए, काला लगाए, हरा लगाए, जो लगाना है सो लगा दे, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। आपको पता है उपाधि है, दो मिनट जाके थोड़ा पक्का रंग होगा तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कच्चा रंग होता तो जल्दी, और गुलाल होगा तो हवा से ही छूट जाएगा, क्या क्या फर्क पड़ता है, समझ में। तो निश्चय का ज्ञान है तो चमड़ी पर लगने वाले रंग दुखदाई नहीं होते, और निश्चय का अज्ञान है इसलिए चमड़ी का रंग दुखदाई हो जाता। बैठ रही नहीं बैठ रही बात है, बोलो। यानी यहां से सिद्ध होता है कि निश्चय का ज्ञान सुखदाई और निश्चय का अज्ञान दुखदाई। अब लोग कहते क्या निश्चय की बातों में क्या धरा है, ये धरा है सुख धरा है, सुख धरा है, देखो तो दिखाई दे। जो कपड़ा रुई से बना है और अगर आप उस रुई से बने हुए कपड़े को देख रहे तो कपड़ा सफेद ही है, क्योंकि रंग कपड़े का कुदरती गुण नहीं। फिर आपको लाल नीला काला पीला दिख रहा है वो क्या है, बोले जब वो उपाधि के अलग अलग रंग हैं उनसे सहित कपड़े को देखते हो तो कपड़ा कैसे दिखाई देता है, रंग बिरंगा। दो दृष्टि है, स्वभाव को देखने वाला रंग को नहीं मिला रहा, रंगीला कपड़ा देखने वाला स्वभाव को नहीं देख पा रहा, निश्चय की दृष्टि वाला व्यवहार को अपना नहीं मान रहा, व्यवहार में उलझा हुआ जीव निश्चय को स्वरूप नहीं मान रहा। बात यहाँ पर है, चल अब आगे आगे और बढ़ाते हैं। हवे वणी पूछे छे के वर्णादि निश्चय थी जीवना केम नथी। भाई तमने कीधू पहला 56वें नंबर नी गाता में कीधू के जीवना नथी, मानी लीधू, पण पूछता है इंडिया, इंडिया वांट्स टू नो केम नथी, तो हवे उत्तर आपे छे કેનું કારણ, તે પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે છે, એ દેહ્ય સંબંધો જહેવ ખીરોદયં મુણે દબ્બો, ણય હોંતિ તસ્ય તાણિ દુઃખ ગુણાદિકો જમ્હા। बोलो, आभाव से संबंध जीव
क्या कहते हैं, एदेहिम, एदेहिम यानी 29, एक नहीं पूरे 29 एक नहीं कौन से पूरे 29, कौन से 29, 50 से 55 के बीच में जो आए वो सब है, हाँ 29 वाले, हाँ वर्ण से लेकर गुण स्थान तक के। अब इन सब का संबंध बोल रहे, उन सब में वो सब आ गए, जरा गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान, भाग स्थान, बंध बंधक, उदय स्पर्धक, कितना सब कुछ अपन ने चर्चा में लिया। वो सब जहेव कैसे हैं, संबंध कैसा है इनका, खीरोदयम, कैसा जानना, खीरोदयम बता ना, पानी युक्त दूध के जैसा, खीर मतलब दूध, उदय मतलब पानी, खीरोदक मतलब दूध मिश्रित पानी, दूध मिश्रित पानी के जैसा इन 29 भावों के साथ जीव का संबंध एक क्षेत्र का रूप जानना। एक क्षेत्र का बताना है यहाँ पे, देखो जैसे ये पानी दूध है ना, दूध दिख रहा है, जहां दूध है वहीं पानी है कि नहीं है, अलग अलग कर सकते हो, बोले ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते, आप चम्मच से पियोगे तो मुंह में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि दूध दूध, अपन हंस नहीं है ना हंस होता तो क्या होता, उसकी चांच में फिल्टर होता, वो दूध दूध को पी लेता, पानी पानी छोड़ देता, ऐसा हंस मैंने आज तक देखा नहीं है, सुना है। तो भले ही प्राणी विज्ञान के रूप में अपने को ऐसा हंस ना दिखता हो, लेकिन अनुभव के विज्ञान में ऐसे हंस हजारों हुए हैं जिन्होंने राग आदि भावों को छोड़ दिया और ज्ञानमयी आत्मा को ग्रहण। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञान, संत चित्त रूपी मराल यानी हंसों का समूह। हंसों के बारे में एक और बात कही जाती है कि मोती चुगते हैं। अब ऐसे मुश्किल ही है, अब एनिमल प्लानेट में जाके खोजोगे, डिस्कवरी में खोजोगे तो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो प्रसिद्ध हैं, कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, पारस मणि, बराबर ऐसे ये भी बहुत बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रों में मिलती हैं, नागमणि, ये एक तक कपूर ने तो चार चार सीरियल बना दिए नागमणि के ऊपर है, ख्याल में आया कि नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में शुद्ध परंपरा से मिलती हैं, लेकिन उन सब के नीतार्थ या तो सीधे होंगे भी, अपन निषेध भी नहीं कर सकते, लेकिन रूपक अर्थ जरूर उनका सिद्ध होता है। हंस एक वृत्ति है, हंस पक्षी हो चाहे नहीं हो बात की बात है, लेकिन एक वृत्ति जरूर है, एक कागड़ा की वृत्ति होती बराबर, और एक कौन सी वृत्ति होती, हंस की वृत्ति, कौवे को सड़ा गला मांस नोच नोच कर खाने में ही रस आता है, गिद्ध वृत्ति कागड़ा दोनों होती है, कौवे को भी वही रस होता है, गिद्ध वृत्ति समझ लो निर्दोष एकदम, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कौवा तो रोटी भी खा लेता है, वो और कुछ खाते नहीं, वल्चर गिद्ध वृत्ति कहलाती है, तो गिद्ध वृत्ति भी होती है और हंस भी वृत्ति भी होती है। गिद्ध का एग्जाम्पल तो प्रसिद्ध है और सिद्ध भी कि वो मरे हुए जीवों को ही नोच नोच कर खाता है, बाहर बहुत सारी चीजें पड़ी हूं लेकिन उसको रस आते नहीं। और हंस कैसा होता है कि जो या तो मोती का ही सेवन करता है हाई क्लास, और कभी मिक्स मिले या तो मोती खाएगा बराबर, और अगर मोती ना मिले तो पानी मिश्रित दूध पिएगा, और उस दूध में भी दूध दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को, उससे नीचे वो बस। जीवों में भी ऐसी हंस वृत्ति होती, या तो वो मात्र गुणियों की चर्चा करते, और अगर या तो स्वभाव की चर्चा करते, और कभी गुण अवगुण मिश्रित मिले, स्वभाव विभाव मिश्रित मिले, तो हंस वृत्ति से
क्या करते हैं, सार सार को गई रहे थोता दोए उड़ाए। बराबर, गजब यही हो रहा है आजकल कि जैसे दुनिया में हंस गायब हो गए, ऐसे मनुष्यों में हंस वृत्ति गायब हो गई। समझ में आया? लेकिन एक चीज बढ़ रही है, एग्जाम्पल, दुनिया में तो गिद्ध भी गायब हो रहा है लेकिन मनुष्य में गिद्ध वृत्ति गायब नहीं हो रही। दृष्टांत एक बाजू बैठ रहा है, दूसरी बाजू नहीं बैठ रहा है। ऐसा नहीं, क्या कह रहा, सरकार को गिद्ध को बचाने के लिए क्या कहते हैं अभियान चलाने पड़ रहे हैं, गिद्ध बच नहीं रहे आजकल। तो बोले हमारा जो साइकिल है वो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए गिद्धों को क्या करो, संरक्षण दो। खत्म होते जा रहे हैं। तो एक जगह तो दृष्टांत बैठ रहा है, हंस गायब हुए तो हंस वृत्ति गायब हो गई। लेकिन कितना अच्छा होता कि गिद्ध के गायब होते होते कौन सी वृत्ति गायब हो जाती, तो कम से कम चिड़िया कबूतर के रूप में तुम रहते। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये चीज को थोड़ा विचारने लायक है कि प्रभु अपनी दृष्टि, ये हंस अपने अंदर में ही है, ये गायब नहीं हुआ। बस उस हंस की दृष्टि में अभी वो दूध और मोती आया नहीं। ये अंदर का हंस कभी उड़ नहीं सकता, ये कभी गायब नहीं हो सकता, छिप सकता है। जब आप हंस को दाना पानी नहीं देते हो तो हंस को गिद्ध बनने में समय नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, बहुत विश्वास के साथ बोलता हूं कि अगर आत्मा हंस का पोषण नहीं किया तो ये कब गिद्ध बन जाएगा इसे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसके पोषण के लिए इसे दिन रात जिनवाणी की खुराक दो। जगत में इससे ज्यादा पौष्टिक खाना कुछ नहीं। मनना है कि नहीं है? आप वही भोग और विषय और धन और वैभव इनमें लगे रहोगे, आपकी दृष्टि वहीं जाएगी, जड़ पे जड़ पे जड़ पे जड़ पे जड़ पे, जड़ हो जाओगे। रोज कैलकुलेट करोगे, इतना कमाया तो इतना बढ़ गया, इतना कमाया तो इतना बढ़ गया, इससे मिला तो ये लाभ हुआ, इससे मिला तो ये सुख हुआ। रोज इसकी कैलकुलेशन में आओगे और आत्मा के क्षेत्र में रोज दरिद्र बनते जाओगे। रिपीटेटिवली यही मिस्टेक बार बार होगी और आपको भूली पकड़ में नहीं आई, क्योंकि आप वो उसको जो पा रहे हो उसी को एक पक्ष ही सामने रख रहे हो, लेकिन जो मनुष्य भाव खो रहे हो उसका तो कभी ध्यान ही नहीं रखते ना। समय और उपयोग सबसे बड़ी निधि है। धन तो मेरा है ही नहीं, तन तो मेरा है ही नहीं, मेरा समय है, मेरा उपयोग है, मेरा स्वभाव है। इसे इसे लाओ फिर टैली करो हर चीज में। धन कमाने में कितना बढ़ा, साथ ही साथ ये भी लगाओ कि धन कमाने में जीवन कितना घटा, मुक्ति का अवसर कितना हटा, नरक आदि कुगतियों का संकट कितना बढ़ा। लगाओ तो पता चले। अब क्या है, दुनिया में जिनवाणी के सिवा ये कोई बात आपसे कहेगा नहीं। समझ में आया? जरा सी बाहर की उपलब्धि में आपको सातवें आसमान पे चढ़ाने वाले सैकड़ों लोग आ जाएंगे। घर पे अगर BMW लाए और स्टेटस रखो ना, तो 10 साल से जिसने मैसेज नहीं किया हो ना, वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कर दे। शुभ अच्छे पार्टी तेजी में है? हमारा कि नहीं है? ये स्वरूप है भाई साहब, ये अब जिनकी दृष्टि में आ रहा है वही कहते ना, श्रीमद कहते हैं, जिनेश्वर देवनी वाणी जेने जानी एने जानी। ये नहीं जान तो ये आखी जीवन ने हारी जाए, अरे तो इन्हें खबर नहीं पड़ती कि
फॉल्ट शू थयो? आपना जीवन में आपने नदारत छे, आपना लगन में आपना फोटा ना आवे क्यों लागे? नहीं लाग तो मोटी मिस्टेक, मारो लगाना तो ने मारा एक पण फोटा नहीं, तो एल्बम कोनो बन्यो? वरघोड़ो कोनो निकळ्यो? आखो जीवन आवो वरघोड़ा में निकले छे कि मारा जीवन छे अने मारा जीवन में मारी ज एंट्री पड़ी नहीं, आखी जानना फोटा आवी गया, आखा विधि विधानना फोटा आवी गया, अड़ोसी पड़ोसी ना फोटा आवी गया, पण मारो ज फोटो मने मळ्यो नथी, आ केवी रीते भरघोड़ो निकळ्यो खबर नहीं पड़ी। विचारो भाई, ए 29 भाव ये जान है, एक क्षेत्र गाय के रूप में आए हैं और उनके बीच में चेतन तत्व जीवन है। बाहर के बरातियों के चक्कर में ये चेतन तत्व अपने को भूल गया है। क्यों? क्योंकि ये कब हंस बने से इसने रेजिग्नेशन दे दिया, गिद्ध वृत्ति को इसने अपना लिया, पता ही नहीं चल पाया। मरी हुई चमड़ी के पीछे पड़ा है, चमकते हुए चैतन्य को नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए हंस बनना पड़ेगा भाई साहब, और हंस बनने के लिए पहले मोती चुगो और फिर चाँद से दूध पानी का भेद ज्ञान करो। ये क्षेत्र गाय में ही सब, लेकिन जिनका मन हंस वृत्ति वाला है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और बाकी 29 भाव रूपी जल को छोड़ देता। ये क्यों? तो यहाँ पे एक लाइन होती है, नया होंती तस्य ताणी, ताणी मतलब जीव के ये ताणी भाव, ये सारे के सारे भाव जीव के नहीं होते। क्यों? क्योंकि उपयोग गुणादि को जम्मा, कि मैं कैसा हूं उपयोग गुण से अधिक। समझ में आया कि नहीं है? जैसे सोना भी पीला है और पीतल भी पीला है, लेकिन पीतल का भाव कितना और सोने का भाव कितना, बोले तो कुछ गुण धर्मों के कारण सोना उससे अधिक साथ में है, एक सा रहे। ये पंच धातु की प्रतिमा, पांचों की पांच धातु एक साथ में है, लेकिन सोना उससे अधिक है। किसके कारण? उसके अलग कारण है। ऐसे ही भगवान आत्मा इनके बीच रहते हुए भी उपयोग गुण से अधिक है, ये जिसको निर्णय पक्का है वो इन 29 भावों में अटकता नहीं। व्यवहार से साथ में है लेकिन आत्मा उनसे अधिक। अमृतचंद्र आचार्य कुनकुन आचार्य दोनों के अधिक शब्द बहुत प्रिय था। 31वीं गाथा में भी यही बोला कि भगवान आत्मा उनसे अधिक, किनसे अधिक? द्रवेंद्रिय, द्रवेंद्रिय के विषय और भावेंद्रिय, इनसे आत्मा अधिक। ऐसे 29 गुणों से भगवान आत्मा अधिक। क्यों? क्योंकि बनियों को बताना, अधिक बताएंगे तो ही लाभ होगा।